सब्जी मंडी नरवाल के हुए चुनावों में एक बार फिर से सुरेंद्र सिंह काला को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। आज हुए चुनावों के बाद श्यामलाल लंगर ने सब्जी मंडी एसोसिएशन नरवाल के चुनावों में सर्वसम्मति से चुने गए सभी पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र सिंह काला और उनकी टीम द्वारा सब्जी मंडी नरवाल के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए सभी व्यापारियों ने सुरेंद्र सिंह काला को फिर से अध्यक्ष चुना है और वे आशा करते हैं कि सुरेंद्र सिंह काला और उनकी टीम के सदस्य सब्जी मंडी नरवाल की बेहतरी के लिए काम करेंगे। श्यामलाल लंगर ने नवगठित सब्जी मंडी एसोसिएशन नरवाल की टीम का स्वागत किया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जितनी हमारी मंडी के एसोसिएशन है, जितने हमारे मेंबर हैं, उन्होंने सभी एक मत होकर ये कहा कि मंडी के अंदर इतना बेहतरीन काम हो रहा है, क्यों ना इसी टीम को दोबारा आगे बिना इलेक्शन के चुना जाए। और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। इसी चीज को देख के बाकी भी जितनी एसोसिएशन है वो काम को देख के अपने जो प्रधान है बाकी मेंबर ने उनको चुने, उसी से बेहतरी होगी, ना कि नए नए खर्चे करके कि और नुकसान करा के दो इलेक्शन करवाना। इसमें जो प्रधान चुने गए हैं बिना इलेक्शन के सुरेंद्र सिंह काला जी और जनरल सेक्रेटरी हमारे अंकुर जी और वाइस प्रधान चुने गए हैं हमारे कोहली साहब और सेक्रेटरी साहब चुने गए हैं हमारे अनिल जी और जूनियर चुने गए हैं हमारे राजकुमार जी और इधर यहाँ पे तरसेम जी चुने गए हैं हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी चुने गए हैं हमारे तरसेम जी, क्योंकि जो खजाना है वो इनके पास है पूरी मंडी का। और मीडिया सेक्रेटरी है हमारे शोक कुमार जी। मैं इनको एक दफा फिर पुनः सभी को बधाई देता हूँ और सभी जो जितने भी हमारे ये इलेक्टेड हुए हैं आज अनअपोज और ये सभी काम करने वाले हैं कि चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, चाहे बरसात हो, अपना काम छोड़ के तो मंडी के कार्य में लग जाते हैं। ये बड़ी मुबारक की बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।